Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर वो इस पर मुस्तकीम रहे, इन पर फरिश्ते ये कहते हुए नाजिल होते हैं कि तुम ना खौफ करो और ना गम करो और उस जन्नत की बशारत सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में तुम्हारे मददगार हैं और तुम्हारे लिए इस जन्नत में वो हर चीज़ है जिसको तुम्हारा दिल चाहे और इसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ है जिसको तुम तलब करो। ये बहुत बख्शने वाले बेहद रहम फरमाने वाले की तरफ से मेहमानी है। तो सूरह हामीम सजदा की आयत 30-32 मैंने आपके सामने रखी। इस सूरह मुबारका को सूरह फुसीलात भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो चंद एक नुकात हैं इस पर बात कर लेते हैं कि कुरान करीम का जो उसलूब है इस्तेकामत का, यहाँ पे लुगवी और शरई माना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दो ज़िदों का साथ साथ जिक्र भी फरमाता है कुरान करीम, क्योंकि एक ज़िद के ज़िक्र से दूसरी ज़िद पहचानी जाती है और खूब वाज़ेह हो जाती है। इसलिए अगर इन आयात जो मैंने आपके सामने पेश की इससे पहले की आयात पर अगर आप गौर करें तो वहाँ कुफ्फार की वईद है, तो यहाँ पर मुसलमानों से वादे का ज़िक्र है। इस आया में या इन आयात में इन लोगों की तहसीन फरमाई गई है जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो ये कहने के बाद उस पर उन्होंने इस्तेकामत इख्तियार की, उस पर जमे रहे, यानी इस अकीदे पर मजबूती से कायम रहे, जमे रहे और डटे रहे। मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं जो इफरात और तफरीत के दरमियान मुतवस्सित हो, यानी दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो बिल्कुल मयाना रवि वाला बैलेंस्ड रास्ता हो उसे आप मुस्तकीम रास्ता कहते हैं। और मुस्तकीम अकीदा वो है कि ना तो दहरियों की तरह खुदा का इनकार किया जाए और ना मुशरिकों की तरह मुतअद्दिद खुदा माने जाए, बल्कि कहा जाए कि एक खुदा है वो एक ही है, और ना कदरिया की तरह कहा जाए कि इंसान अपने अफ़ाल का खुद खालिक है, और ना जबरिया की तरह कहा जाए कि इंसान तो महज मजबूर है, बल्कि ये कहा जाए कि अल्लाह ताला इंसान के अफ़ाल का खालिक है और इंसान के का कासिब भी अल्लाह ही है, यानी उसको तमाम चीज़ें अल्लाह ही मुहैया फरमाता है क्योंकि रब है। और ब्रह्मनों की तरह भी ऐसा ना हो कि नबूवत का इनकार ही कर बैठे, और ना मिर्ज़ाइयों की तरह हो कि नबूवत को क़यामत तक जारी रखे, बल्कि ये कहा जाए कि नबी का आना ज़रूरी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बैसत के बाद ये मामला ख़त्म हो गया है, ज़रूरत ख़त्म हो गई है, और ना राफ़ज़िया की तरह सहाबा की मुज़म्मत की जाए और ना नासबिया की तरह अहले बैत को बुरा कहा जाए, बल्कि सहाबा और अहले बैत दोनों की तकरीम की जाए। वअला हादल क़ियास, और इस्तेक़ामत का माना है इंसान का सिरात मुस्तकीम को लाजिम पकड़ना और हर हाल में इस पर जमे और डटे रहना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इस्तेक़ामत की तफसीर जब पूछी गई तो आपने ज़िमन में क्या फ़रमाया, ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 3250, और इसको अल कामिल में इब्ने अदी भी लाते हैं और जामिउल मसानीदी व सुनन में मुस्नद हज़रत अनस इब्ने मालिक के तहत ये हदीस 511 आती है। हज़रत अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आया मुबारका पढ़ी और उसके बाद कि इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों ने यह कहा कि यानी हमारा रब अल्लाह है,
پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے، بس جو شخص اسی قول پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر مستقیم رہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر مستقیم رہو۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا حدیث 38، پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 3972، پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اسی طرح مؤسسۃ الرسالہ میں شعب الایمان میں حدیث 4922۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے، اس کا معنی ہے کہ تم زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اپنے باقی اعضاء سے اللہ کے احکام پر عمل کرو، اور فرمایا پھر اس پر مستقیم رہو، یعنی مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہو، اور آپ کا یہ ارشاد تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے رہو، ہر اس کام سے بچتے ہو اور بچتے رہو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا یا کسی ایک بھی ممنوع کام سے باز نہیں رہا تو اس صراط مستقیم سے ہٹ گیا یا منحرف ہو گیا۔ پس جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی رضا جوئی میں لگا رہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہ معنی ہے کہ اس چیز کا جو حضور نے کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اس کی پھر علماء نے یہ تشریح بیان کی ہے۔ اچھا، علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی، جنہیں آپ امام قرطبی کے نام سے بھی جانتے ہیں، متوفی ہیں 656 ہجری کے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام معنی جمع کر دیے ہیں۔ آپ نے پوچھنے والے کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے دل سے اللہ کی توحید کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کا ذکر کرے، اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے تمام احکام کی اطاعت پر استقامت مستقیم رہے اور ہر قسم کی نافرمانی اور حکم عدولی سے باز رہے، کیونکہ اس وقت تک کسی چیز پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی مخالف چیزوں سے رکا نہ جائے۔ اور آپ کا یہ ارشاد قرآن کریم کی اس آیت سے مستنبط ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کو واحد مانو، پھر مرتے دم تک اس عقیدے پر اور اس کے احکام کی اطاعت پر جمع رہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت پر مستقیم رہو اور لومڑی کی طرح فریب دہی کرتے ہوئے زیادہ استقامت سے منحرف نہ ہو، یعنی اللہ کی تصدیق کرتے رہو، اس کی توحید کا اقرار کرتے رہو اور اپنے اعضاء سے دائماً اس کی بندگی کرتے رہو۔ تو امام قرطبی کی نے جو حدیث کی، اس حدیث سے مبارک کی جو شرح لکھی ہے، یہ المفہم کی جلد نمبر 1 صفحہ 221 اور 222 پر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ ہود میں فرمایا، فاستقم کما امرت، سو آپ اسی طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ المعجم الکبیر میں روایت آتی ہے حدیث 790، پھر دلائل النبوہ میں بھی آتی ہے اور شمائل الترمذی میں بھی حدیث 42۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی ہیں 676 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ تمام قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی، اس لیے جب آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھاپا بہت جلد طاری ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مستقیم رہو،
और तुम मुकम्मल इस्तेकामत हरगिज़ हासिल नहीं कर सकोगे। और याद रखो, तुम्हारे आमाल में सबसे अफजल अमल नमाज है, और सिर्फ मोमिन कामिल ही दायमन बावजू रह सकता है। सुनने इब्ने माजा की रवायत है, हदीस नंबर 277-278। फिर मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में भी आती है, मुस्नद इमाम अहमद में भी आती है, सुनन दारमी में भी हदीस 667 है, अलमुअज्जमुस्सगीर में इसको इमाम हाकिम ने अलमुस्तदरक में भी रिवायत किया है, सुनन कुबरा इमाम बैहकी वाली उसमें भी आती है, फिर जामे अलमसानीदी व सुनन में मुस्नद अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस के तहत हदीस 719 है। तो अब आ जाते हैं इसी आया मुबारका में इस्तेकामत की तफसीर से मुतालिक सहाबा कराम और ताबईन में से जो फुकहा हैं वो इसकी क्या तफसीर बयान करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आया मुबारका पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू, तो और कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ बिल्कुल शिर्क नहीं करते, और एक रिवायत में है ना कोई और मासियत यानी गुनाह करते हैं। तो जामिउल बयान जुज़ 24 पेज 143 पर हदीस नंबर 23552 के तहत हज़रत अबू बकर का ये कौल मौजूद है। अच्छा, इसी तरह ज़ोहरी बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने इस आयत की मिंबर पर तिलावत की और कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इताअत पर मुस्तकीम रहे और लोमड़ी की तरह फरेब दही से सिरात मुस्तकीम से इधर उधर नहीं निकले। तो अगेन जामिउल बयान हदीस नंबर 23558। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब इस आयत को पढ़ते तो दुआ करते कि अल्लाह तो हमारा रब है, हमें इस्तेकामत अता फरमा, जामिउल बयान हदीस नंबर 23559। इसी तरह जामिउल बयान में अगली हदीस 23560 में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आया मुबारका की तशरीह में फरमाया कि इस आयत का तकाजा है कि तुम फ़र्ज की अदायगी पर मुस्तकीम रहो। अबुल आलिया ने कहा कि दीन में इखलास के साथ अमल करने पर मरते दम तक मुस्तकीम रहो, और एक कौल है कि जिस तरह तुम अपने अक्वाल में मुस्तकीम हो इस तरह अपने आमाल में भी मुस्तकीम रहो, और एक और कौल है कि जिस तरह तुम जलवत में मुस्तकीम हो यानी लोगों के जब दरमियान हो जिस तरह तुम इस्तकामत वहाँ दिखाते हो वैसे अकेले में भी दिखाया करो। फुदैल इब्न अय्यास रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दुनिया से बेरग़बती करो और आखिरत में रग़बत करो, और एक कौल ये है कि इताअत के तमाम अफ़ाल के साथ साथ तमाम गुनाहों से भी बचते रहो, क्योंकि इंसान सवाब की रगबत में इताअत करता है और अज़ाब के खौफ से गुनाहों से बचता है। और रबी ने कहा कि मा सिवा अल्लाह से एराज कर। तो बहरहाल इन तमाम अक़वाल को अन्नुक्त वल उयून जिल्द नंबर 5 सफ़ा 179-180 पर भी जमा किया गया, और अल जामिउ लिल अहकाम लिल अहकाम कुरान में जिल्द नंबर 15 सफ़ा 320 पर भी। तो इस्तेकामत के हुसूल का जो दुश्वार होना आता है, दो नुक्तों को मिलाने वाले सबसे छोटे ख़त को लुगत में सिरात मुस्तकीम कहते हैं, और शरीयत में सिरात मुस्तकीम से मुराद वो अकायद है जो सआदत दारैन तक पहुंचाते हैं, यानी वो दीन इस्लाम जिसको देकर तमाम अंबिया और रसूल को मबऊस किया गया है, और इन तमाम की नबूवत और रिसालत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ख़त्म कर दिया गया, जिस दीन से अल्लाह और उसके रसूल की सही मारिफत और तमाम अहकाम शरिया का इल्म हो वो सिरात मुस्तकीम है। ये सिरात मुस्तकीम का ख़ास माना है, और इसका आम माना यह है कि तमाम इखलाक तमाम आमाल और उमूर में एक्सट्रीम से बचा जाए, इफरात और तफरीत इनसे बचा जाए, और दरमियाना जो मुतवस्सित तरीक़ा है उसे इख्तियार किया जाए। तो बेसिकली अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना और उस पर अमल करना, और हर उस काम से रुकना जिससे अल्लाह ने मना किया है। और ख़वास जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो उसका माना यह है कि अल्लाह हमें सैर इल्लाह के बाद सैर फिल्लाह अता फरमा, और हम पर अपने जमाल और जलाल की सिफात गैर मुतनाहिया मुनकशफ कर दे। और जब आवाम आम लोग एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो उसका माना है कि अल्लाह हमें अपने तमाम अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमा। तो बहरहाल लफ्ज़ मुस्तकीम से मुतालिक ये चंद तफसीलात थी जिसे उलमा ने अपनी अपनी कुतुब में जमा किया है, तो इसको मैंने आज आपके सामने रखा। इस आया मुबारका के मज़ीद पहलू हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में बात करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।